गीता गुरु लगाओ, गीता गीता जी को आओ, गीता जी यहीं से लगा दो, गीता गंगा जी के जो वजह से गीता गीता जी इस मुहिम के अगुवा हैं हमारी इन्हीं के। और उसको उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, उन्होंने कहा कि वो इससे सहमत हैं कि जो हमारे वन अधिकार के 6 जो पॉइंट हैं, बल्कि उन्होंने क्योंकि वो सत्ताधारी दल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हमारे हक हकूक जो हैं वो समाप्त नहीं हुए हैं, उसके बारे में वो सरकार से उसकी चिट्ठी और उसका नोटिफिकेशन भी निकालने जा रहे हैं। तो कम से कम एक चीज़ क्लियर हो जाए हमारे इसमें जो 6 बिंदु हैं, एक तो हमारा 70% जो है हमारा प्रदेश जो है वन भूमि है, तो हमको वनवासी या अरण्यवासी क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमको वो जो गिरिजनों को जो संविधान ने जो अधिकार दिए हैं वो हमको क्यों नहीं मिल रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। जैसे रोजगार का सवाल है, जैसे निशुल्क जो है हमारी रसोई होनी चाहिए, बननी चाहिए, खाना बनना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि हम आपके जंगल काट देंगे, उसके बदले में अगर आप गैस दे रहे हैं तो कम से कम 2 सिलेंडर और नहीं तो मिनिमम 1 सिलेंडर जो है वो यहाँ के लोगों को प्रति परिवार निःशुल्क मिलना चाहिए और 100 यूनिट बिजली मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जो इस प्रदेश के रहे हैं माननीय किशोर उपाध्याय जी और उपाध्यक्ष गुनसोला जी, महामंत्री मथुरादत जोशी जी समेत, हाँ बिष्ट जी जो सिंह बिष्ट जी, महामंत्री मथुरादत जोशी जी और सारिका जी और सारे जितने भी हमारे यहाँ पर शांति जी वगैरह सब लोग आए हैं और वो राधिका जी ने वो गीता जो इसकी लड़ाई को लड़ रही हैं, सभी लोगों ने एक ज्ञापन मुझे दिया है और इतना तो मैं बता सकता हूँ अपने मित्रों को कि हक हकूक उत्तराखंड में बंद नहीं है, क्योंकि इससे पहले सरकार आपकी थी आप जानते हैं, और इधर भी मैंने अभी सब पता कर लिया है, उन्होंने कहा हम एक फर्स्ट लेटर भी दे देंगे और मैं निवेदन करूंगा कि आपको भी एक पत्र वहां से आ जाए कि हक हकूक बंद नहीं है। जहां तक रही कि गिरिवासी घोषित करने की बात, इसमें खुशी होगी कि अगर हमको जो पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले कंदराओं में रहने वाले लोग हैं उन सबको गिरिवासी घोषित किया जा सकता हो तो उसमें तो हम आपके साथ हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कहीं पर भी कोई ऐसी बात होती है, उत्तराखंड की भलाई के लिए कोई भी कोई बात उठाएगा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, पार्टी की जो सीमाएं हैं, पार्टी की जो अपनी मर्यादाएं हैं उनसे भी ऊपर उठ के हम सब एक हैं।